और अब आज की बड़ी खबर, जहां प्रदर्शन के तीसरे दिन की बिग पिक्चर सबसे पहले रखते हैं आपके सामने, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की योजना के तहत खबर बड़ी है। आपको बता दें, शाम 5 बजे सरकार और किसानों के बीच तीसरे राउंड की बैठक को लेकर आज की ये सबसे पहली और बड़ी खबर। बीकेयू का 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन, एक और बड़ी खबर। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा इस बार के आंदोलन से जिस तरीके से दूरी बनाए हुए है, उसे देखते हुए, जिस तरीके से अभी फिलहाल आंदोलन को देखते हुए बड़ी खबर आ रही है, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि अब से थोड़ी देर बाद, यानी आज शाम 5 बजे का वक्त, जब सरकार और किसानों के बीच होने वाली है बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे तीसरे दौर की बातचीत को लेकर यह खबर आई है। 3 केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ चर्चा करेंगे, हालांकि बैठक तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। एक बार फिर से जान लीजिए, आज शाम 5 बजे का वक्त है जब चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में किसानों के साथ चर्चा होने वाली है, और तब तक दिल्ली मार्च नहीं करेंगे किसान। किसान शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्वक बैठे रहे। वहीं किसानों की मांग को लेकर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की वार्ता होनी है, बैठक होनी है, बातचीत होनी है। ये बातचीत चंडीगढ़ में होगी। किसानों के साथ सरकार की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होंगे। बातचीत होने तक किसानों ने शाम 5 बजे तक अपने आंदोलन को रोक दिया है, यानी प्रदर्शन को रोक दिया है। बेशक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हों शंभू बॉर्डर पर, लेकिन प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उधर किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन उग्रा ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया, यानी ठीक 8 घंटे बाद अब सबकी निगाहें होंगी शाम 5 बजे इस बैठक में, सरकार और किसानों के प्रतिनिधि की बैठक में क्या कुछ होता है। तो किसान आंदोलन को लेकर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको ग्राउंड अपडेट भी दिखा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट, जहां किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत को लेकर खबर है। शाम 5 बजे का वक्त, किसान नेताओं के डेलीगेशन के साथ बैठक, किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के लिए बुलावे की चिट्ठी भी मिली है। वहीं शंभू बॉर्डर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात यहां पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की तरफ से कही गई है, और किसान शांतिपूर्वक वहां पर बैठे रहे तो फोर्स भी शेलिंग ना करे, ये बात भी सरवन सिंह पंढेर कह रहे हैं। हालांकि मीटिंग में जब तक कोई फैसला नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात भी कही गई है। जी हाँ, और सरकार के साथ साथ आज होने वाली तीसरे दौर की बातचीत पर भी नजर है। किसान नेताओं का रुख सकारात्मक है, किसान बातचीत तक दिल्ली मार्च की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें। सरकार अगर हम कल आगे बढ़ेंगे तो सरकार को तो एक मौका मिलेगा, बहाना मिलेगा कि देखिए हम तो आपके साथ बात कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी मतलब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो उतनी देर तक तो हमें भी बैठना पड़ेगा। और किसानों के ही दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 8 फरवरी को 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत की, उसी की तस्वीर आपके सामने। फिर 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई, वो तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन ये बैठक बेनतीजा थी, कोई नतीजा नहीं निकला। आज एक बार फिर से चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक को लेकर बड़ी खबर। तो तीनों बैठक की आपको तस्वीर हमने दिखाई लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप सुमंत कुमार को देख रहे हैं जो शंभू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिजीत ठाकुर को आप देख रहे हैं जो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हैं, शालिनी वाजपेयी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रही हैं, जितेंद्र भारी हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लोग जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं शाम 5 बजे पर कि आज क्या जो वार्ता होनी है क्या उस पर कोई हल निकलेगा। बिल्कुल, देखिए सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है, तीसरा दिन है और जिस तरह से हमने देखा पिछले जो 2 दिन हैं वो बेहद ही तनावपूर्ण रहे किसानों और जो सुरक्षा वाले उनके बीच में, तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकाला गया है कल की बैठक की जाए। और यहाँ पर हमने किसानों से पूछा कि कल जब बातचीत हो रही थी तो आज शाम की बैठक तो क्या उनकी रणनीति रहेगी, तो एक तरह से सीज फायर उन्होंने कहा है, तो बड़ी उम्मीदें हैं शाम की मीटिंग से। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तरफ जहाँ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है
वहाँ पर इस मामले में सुनवाई भी है, क्योंकि 13 तारीख को सुनवाई हुई 13 फरवरी को, तो वहाँ पर नोटिस जारी करके कोर्ट ने जवाब तलब किया था पंजाब से, दिल्ली से और साथ ही साथ हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आखिर जो प्रदर्शन को लेकर उनकी क्या तैयारियाँ हैं और बल प्रयोग आखिरी रास्ता हो। तो एक तो वहाँ पर जवाब दिया जाना है, वो बड़ा अपडेट है, उसमें कोर्ट के क्या कहना होगा, टिप्पणी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है, किसान अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन इस बीच जो कि भारतीय किसान यूनियन उग्रहा है, जो इस दिल्ली कूच का हिस्सा भी नहीं है, उसकी तरफ से कॉल लिया गया है 12 से 4 बजे तक पंजाब के तमाम बड़े रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जाम किया जाएगा। दूसरा, किसान अभी तक पंजाब से दिल्ली के लिए हरियाणा एंटर इसलिए नहीं कर पाए, उनसे हमने बात की तो उनकी रणनीति ये थी कि जो हरियाणा के किसान है वो उनसे उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि बड़े किसान नेता हैं, वो आज बैठक कर रहे हैं और पूरी दशा दिशा को देख रहे हैं, वो आगे तय करेंगे कि क्या उसमें इनका साथ दिया जाए। बड़ी बातें आपने बताई हैं इस पूरे मामले को देखते हुए, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि किसान जिस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू कराने की मांग कर रहे हैं उसमें आखिर है क्या, और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किसानों की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी तय हो और MSP के लिए C2+50% फॉर्मूला लागू किया जाए, हालांकि किसानों को उनकी लागत में 1.5 गुना यानी 50% जोड़कर मिले, खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी रणनीति बने और खेती की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में भी सुधार हो, किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़े, पहाड़ी तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए खेती कार्यक्रम बने और कृषि से जुड़े सामान की क्वालिटी और लागत भी सुधरे, हालांकि बेहतर कृषि के लिए स्थानीय निकायों को सशक्त भी बनाया जाए।